स्वागत है लवकेश आपका टाइम्स मॉडरेटर और टेलीटॉक में। इतना कुछ हो गया आपके साथ, मतलब आदित्य नारायण का पूरा न्यूज मतलब वायरल हो रहा है। आपका चेहरा तो नहीं लेकिन नाम आपका पूरा जा रहा है, आपके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी? कहीं ना कहीं जो ये हुआ वो एकदम अचानक से हुआ। मेरे को भी पता नहीं मतलब कि क्या हो सकता है सामने, तो इसलिए एकदम से अलग सी फीलिंग मतलब आप है वायरल ये। हो रहे हैं, आपने कि मतलब इतना सोचा नहीं होगा आपने जब कॉन्सर्ट से पहले गए होगे, एकदम से पूरा नहीं नाम नहीं आपको आ रहा है। नहीं तो मतलब चलो इसी से शुरुआत करते हैं, आप मुझे बताइए कि कॉन्सर्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या उस दिन? कॉन्सर्ट चल रहा था, कॉन्सर्ट के दौरान मैं भी स्टेज के सामने ही था और आदित्य नारायण सर अपना अपना जो वो कार्यक्रम दे ही रहे थे, तो उसके तो सबका मोबाइल ले लेके अपना सेल्फी भी दे रहे थे। ठीक है मैम, तो उसी दौरान मैं भी स्टेज के जस्ट नीचे में खड़ा था, तो मेरे साथ में और भैया लोग खड़े थे, तो मैं एक मेरे साइड में भैया खड़े थे, उसको मैं मोबाइल दिया था, मतलब उसके सेल्फी लेने के लिए सब ले रहे थे सबको, तो कहीं एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं भी दिया, तो उनके हाथ को माइक से मारा और फिर मोबाइल छीन के वो डायरेक्ट तक फेंक दिया, और मेरे साथ में और मेरा भैया हिमांशु चंद्रवंशी भी वो साइड में खड़े थे, वो आपको बता भी सकते हैं। हिमांशु चंद्रवंशी आइए। आपका आप इनके भाई हैं, जी यस मैम, एक ही साथ आप रहता है, बताइए एक आपका वर्जन क्या क्या हुआ? ही मैम। एक्चुअली वही हुआ था कि डायरेक्ट आया तो एक भाई इसका मोबाइल लेके खड़ा था, तो वीडियो मतलब सेल्फी लेने के लिए देने के लिए, तो हाथ को माइक से मारा और मोबाइल फेंक दिया नॉर्मली एकदम सिंपल। आप तो वीडियो भी देखे होंगे। आप भी उधर हाँ थे कॉन्सर्ट में, साथ में ही जी, थे? मैं तो इसके बगल में ही खड़ा था, पीछे था। हाँ फिर तुरंत अपना मोबाइल लेने के लिए गया जी। और आपका मोबाइल फेंक भी दिया उन्होंने? ठीक जी मैम, है। तो हमने जैसे मैंने खुद रिसर्च की थी, मैंने आपके कॉलेज वालों से बात की, मैंने वहाँ पे स्टूडेंट से काफी उनसे रिसर्च की मैंने, तो एक चीज मुझे जानने को मिली कि बहुत लोगों ने बोला कि आप भी उनको पोक कर रहे थे, किसी ने उनके इवेंट मैनेजर ने जैसे मुझे बोला कि आप उनको पैर में मार रहे थे, तो उसके अच्छा बारे में आपने क्या कहना है आपको? वीडियो में मैम आपने देखा भी होगा कि कहीं अगर उसको टच भी हुआ होगा, तो आप तो वीडियो में देख सकते हो, तो वीडियो तो क्लियर था है ना। मैं इस चीज को पूछती भी किया हूँ कि कहीं आप उसको टच भी किया होगा कोई भी, तो आप देख सकते हो सर करके। हाँ लेकिन मतलब लोग कह रहे हैं ना कि आप उनको बार बार मार रहे थे, उसके बारे में क्या कह रहे तो मैम वो तो ट्रोल करेंगे ही, ट्रोल करेंगे ही, अपने से कुछ भी बोलेंगे ही, हैं? एक से ट्रोल तो बढ़कर करेंगे एक, ही। और बहुत फेंक फेंक बहुत अच्छा बुरी बुरी बातें आ रहे हैं ऐसे। मतलब आप तो कह कौन रहे हैं बाकी लोग भी कैसे मतलब मार रहे थे लेकिन आपको टारगेट किया, एक तरह से वो नहीं, मार कोई नहीं रहा था मैम, मार कोई नहीं रहा था, कहीं भी उसको कोई मारा नहीं, कोई टच भी नहीं किया, नॉर्मली सब सेल्फी लेने के लिए उनको मोबाइल दे रहे थे। और हमारे एक और एक भैया के फोन में और सेल्फी भी दिया है वो, हाँ, और कॉन्सर्ट के पहले भी दिया, कॉन्सर्ट के बाद भी दिया था, मतलब मेरे फोन फेंकने के बाद भी दिया जी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब आपका जैसे लोग जो कह रहे हैं कि आप उनको मार रहे थे, आप अपोज कर रहे थे, बार बार मार रहे थे, वो आप डिनाई कर रहे हो कि आप ऐसा नहीं कर रहे थे। मैम आप ये बताओ, आपने देखा वीडियो कि उनके पैर को मारे हैं, पैर को छीले, क्या बोलते वीडियो हैं, में जिगर। क्या है कि वो उन्होंने इनको बाइक से मारा, फोन फेंक दिया। हाँ बस बस नॉर्मली नॉर्मली आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, उनको क्या मूड हुआ वो तो वही जानेगा ठीक है। जी। चलो मतलब इससे से मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि आपको लगता है कि मान लो किसी की भी गलती हो, मान लो आपकी गलती हो ना हो, आपको लगता है कि उन्होंने जो किया वो जस्टिफाइड था कि मतलब आपको मारना फिर फोन फेंक देना? आपकी गलती होती भी तो आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड था, ऐसा करना चाहिए था उनको? नहीं मैम, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी जगह कोई और भी रहे, उनके भी साथ ऐसा नहीं, कहीं नहीं कहीं उनके उनको उनके फैंस हैं और प्यार है उनके उसके प्रति, तभी तो उसको बुलाए हैं, उसके कार्यक्रम में जा रहे हैं, ऐसी वाली भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई कलाकारों की कमी नहीं है, उसको भी बुला सकते, कहीं कहीं उनके फैंस ही है तभी उसको बुलाया गया था। डेफिनेटली। तो जैसे आपको क्या नॉर्मल आपको कॉन्सर्ट जाना पसंद है कि आपको सिर्फ आदित्य नारायण पसंद थे इसलिए आप गए थे वहां पे, क्या आप उनकी जर्नी को फॉलो करते हो, आप क्यों थे वहां पे? नहीं मैम, मैं एक्चुअली मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैम, और अपने कॉलेज में हर साल कार्निवल में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, और हर साल ये ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे कॉलेज वाले लोग, तो अपने कॉलेज के उस कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते मैं वहां गया था। और अच्छा, जी वैसे आपको पसंद है कि नहीं आदित्य नारायण?
पहले था, अब ऐसी हरकत करेगा तो किसको पसंद होगा ना। और उनके पापा उदित नारायण, उनके बारे में क्या कहना है, वो कैसे लगते हैं आपको? वो तो अच्छे आदमी है, अब पता नहीं, अब उसके भी गाना सुना, उसका गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। नहीं तो एक बात बताइए, पहले कभी ऐसा कुछ सिमिलर इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? कभी पहले कोई, नहीं ये पहली बात नहीं है। तो जी मैम, जैसे इतना कुछ हो गया, आपको मारा, आपको फोन फेंक दिया, आपका मतलब वायरल हो रहे हैं, दोस्त चीजें बन रही हैं, आपने कभी सोचा कि पुलिस कंप्लेन करना चाहिए आपको फ्यूचर में? आप सोच रहे हो इस बारे में? नहीं मैम, उस चीज के बारे में, उस पुलिस कंप्लेन वाले के बारे में, मैं रिजर्वल नहीं हूँ क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता मैम। कंफर्टेबल बिल्कुल भी आप, नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं कंफर्टेबल था। अच्छा, तो मतलब आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो उनके अगेंस्ट? एक्शन तो अभी जो हो रहा है मीडिया में वो तो हो ही चुका है, बट पुलिस कंप्लेन हैज दी, नहीं वो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उन सबसे मेरे को डर लगता है। तो जैसे कॉलेज वालों से भी मैंने बात की थी, तो प्रिंसिपल और भी जो लोग थे वहां पे, उन्होंने भी बोला एक तरह से, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन एक तरह से बोला कि आपकी थोड़ी बहुत गलती थी, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया। आपको उन्होंने कॉलेज से आई थिंक फोन भी दिया, मुझे बता रहे थे ये लोग कि आपको जी फोन मैम, गिफ्ट, तो सपोर्ट जी मिल मैम, रहा है आपको या जी मैम, उन्होंने आपको अगर देखा? जी मैम, अगर मेरी गलती रहता तो मेरे को खुद डायरेक्टर सर ने बुला के ये फोन भी दिया है मेरे को। मेरी बात हुई उनसे आज। हाँ जी मैम, तो डायरेक्टर सर लेकिन ने भी बुलाया था। जी मैं वहाँ, और कहीं ना कहीं ये भी तो बोल रहे थे कि मैं उस कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं हूँ, ये भी कुछ बात, ऐसी कुछ बात हो रहा था। लेकिन अच्छा, मैंने आपको वहाँ हाँ आपको फॉलो हुआ था कि ये तो कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं है, ऐसा कहकर जो कॉन्सर्ट में बिना आके घुस गया है ये सब। अगर छोड़ मेरा गलती रहता दिया। तो, हाँ मेरा गलती रहता तो ऐसा ये सब नहीं होता मैम, मीडिया के सामने आप थोड़ी ना, आप ही कौन बताओ अगर गलती रहता तो। हाँ ना सा कोर्स कर रहे हैं थर्ड ईयर में, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं बीएससी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक, मतलब ये कॉलेज वाली बात हो रही थी, आपको फोन तो दे दिया लेकिन डायरेक्टर ने ये भी बोला कि आपकी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है शायद, उस आपको कुछ नहीं बोला उन्होंने ऐसा? नहीं मैम, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट अपना, मैं पूछती भी क्या हूँ, मैं वीडियो भी दिखाया हूँ, मैं हर चीज मेरा, मैं सो कर गया हूँ कि अब मेरे कहीं गलती हो गया, आप देख सकते हो करके, आपने अच्छा, वीडियो भी देख आपके लिया। आपके फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं, फिर सपोर्ट कर रहे हैं? जब आप घर गए उस दिन और आपने देखा इतना कुछ वायरल हो गया है, तो आपके भाई भाई बता सकते हैं एक्चुअली कि आपने कैसे सपोर्ट किया इनको? जी मैम, आप इसी से पूछ सकते हो कि कैसे सपोर्ट किया। यस, हम घर वाले भी सपोर्ट किया, हमने ये सब बात बताया कि मोबाइल को तो फेंक दिए थे कॉन्सर्ट के दौरान, तो घर वाले बोले कि कॉलेज में जाके बात करो अच्छे से, क्या हुआ था, क्या मैटर है वो सब, फिर ना नहीं होगा तो फिर हम लोग आएंगे कॉलेज, ऐसे कहकर बोले थे। फिर हमने भैया भैया को बताया अपने, फिर उन लोग, फिर आप बात देख ओके सकते आगे हो। किसने हाँ फिर आगे बात हुआ, मतलब फिर जो बोला कि वीडियो वायरल हो गया, उसके बारे में क्या कहना है आपको? पीछे से किसने बोला अभी? अरे वीडियो वायरल हो गया, आप देखिए और क्या बोल सकते हैं मैम। मतलब वही होता है ना कि एकदम से ऐसी चीजें हो जाती हैं, वीडियो वायरल हो गया, हम छोटे शहर के लोग होते हैं, अपना नाम पूरा जी बाहर जा रहा होता है, तो मतलब आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा कि आपके घर का बंदा इतना बड़ा हो रहा है, आदित्य नारायण जैसे बंदे के साथ एक क्लैश हो गया एक तरह से? हाँ मतलब इसको खुद यकीन नहीं हुआ, ये मेरे मैम, साथ आदित्य क्या क्या ऐसा टाइप का। नारायण के फैंस भी आपको, मतलब कुछ मिल रहा है क्या उनसे, जी बैकलैश मैम, मिल रहा है? जी मैम, हाँ काफी सपोर्ट भी मिला कि उन लोगों ने बोला भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदित्य नारायण सर जो पिछले बार भी अपने छत्तीसगढ़ में आए थे तो एयरपोर्ट में भी कुछ कुछ ऐसी हरकतें की अभी तो आपके साथ ऐसा हुआ है केस, ठीक है, अगर मान लो आप ऑडियंस होते, आपके साथ नहीं होता, मान लो किसी और रैंडम बंदे के साथ होता, आप ऑडियंस होते वहां पे कॉन्सर्ट में प्रेजेंट होते, कोई और वायरल हो रहा होता, तो एज एन ऑडियंस आपका क्या रिएक्शन होता? सपोर्ट करते हैं सपोर्ट मैम, करते हम उसका गलती ही नहीं है तो रहने सपोर्ट का। करते हैं उनका, अगर मतलब आप गलती नहीं देखो हो। बच्चों उस दूसरे वाले बंदे की साइड लेते हैं जी जिसके साथ मतलब हुआ। गलती गलती देखते पहले जिस जो सही है उसका सपोर्ट देते, चाहे वो सही हो या गलत, जो सही रहता है उसी के साथ देते। लेकिन आप ही आप कह रहे हो कि आपकी गलती थी ही नहीं इसमें, आपने इनको मारा ही नहीं, बाकी सब आ नहीं रहे मैम, थे, 100% इसकी गलती नहीं थी, हम एक्सेप्ट करते हैं ये बात। जी मैम, तो आदित्य नारायण की टीम ने आपको कांटेक्ट किया? नहीं मैम, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कोई आया, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक से तो। तो जैसे आप सेल्फी वगैरह मांग रहे थे, बोला कि आगे बढ़ रहे थे, बाकी लोग भी आ रहे थे, तो मतलब कोई रीजन होगा आपका अप्रोच करने का? आपने बताया कि आप उनके इतने बड़े फैन भी नहीं हो, तो मतलब आप क्या टेंशन जा रहे थे, कुछ रीजन था आपका?
मैं हम कहीं कहीं उसके वीडियो ही देख के, वीडियो मतलब वो टीवी में उसको देखकर, है ना, कहीं कॉन्सर्ट में होस्टिंग वगैरह करते, तभी हम लोग इसी के थ्रू हम लोग वहां गए। अब सब एक्साइटमेंट के चक्कर में, बड़े सेलिब्रिटी हैं तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट तो रहता ही है, इसी चक्कर में हम लोग भी वहाँ थे तो सब लोगों का ले रहे थे, तो हम लोगों का भी साथ हो जाएगा एक आध फोटो वगैरह करके, तो अब नहीं पता था कि ऐसा हो रहा हरकत हो जाएगा मैम। तो अभी आगे आप नहीं जाओगे उनके कॉन्सर्ट में, या फिर कहीं मौका मिला तो जाओगे? नहीं मैम, ऐसी हरकत करेगा तो कौन जाएगा मैम। तो मतलब इतना कुछ हो गया, वायरल वीडियो वगैरह हो गया, आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स स्पेशली जो कॉन्सर्ट में आए थे आपके साथ, या आपको कोई बेस्ट फ्रेंड मान लो, वो लोग आपको कैसे, मतलब उनका क्या रिएक्शन मिला अभी? मैम वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरा कि अगर ये नहीं करना चाहिए था उसको, ये बहुत गलत किया, वो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं मैम। और मतलब आपके कॉलेज वाले कुछ आदित्य नारायण के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने आपको? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ बात नहीं हुआ, बट आगे कुछ नहीं कह सकते मैम वो सब के बारे में। हाँ, आपने इतना टाइम लिया सामने आने में, मतलब आई थिंक 2-3 दिन हो चुके हैं तो काफी टाइम बाद अब आ रहे हो, वो भी मतलब किसी को ढूंढना पड़ा था एक्चुअली, बहुत टाइम ढूंढने के बाद मुझे आप मिले हो, एकदम से नहीं मिले थे, बहुत पापड़ बेले मैंने आपको ढूंढने के लिए, मैम तो किसी ने मतलब रोका था कि आगे आओ, आप अपने आप क्यों नहीं आगे आ रहे थे? अच्छा, मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता था, अनकंफर्टेबल था। अनकंफर्टेबल फीलिंग हुआ स्टार्टिंग में। अब ऐसा लगता है कि जाए या ना जाए क्या, मतलब अगर फिर हमने एक भैया जो प्रथम दत्ता भी है उसने सपोर्ट सपोर्ट किया, किया फिर आगे आए, आ गया। बट अब क्यों आ रहे हो फिर सामने, अब क्या रीजन है? तमाम वही सब मतलब की गलती है, वो गलती है सपोर्ट उसकी, रहे सब हैं, ये सपोर्ट सब कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे थे, इसके वजह से फिर ट्रोल किसे, हमने आपको देखा। क्या को? नहीं मतलब वीडियो वायरल हुआ, उसमें कमेंट आ रहे थे, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हम लोग आए। अच्छा, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि वीडियो में आपका चेहरा एकदम विजिबल नहीं था इसीलिए। जी तो मैम, अभी जो वीडियो हम डालेंगे अपने साइट पे, ऑब्वियसली हमारे फॉलोअर्स, हमारे जो रीडर्स हैं, जो हमारा चैनल देखते हैं, आपका वीडियो देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे, आपका चेहरा सामने आएगा, तो आप मतलब रेडी हो इस चीज के लिए कि आपका चेहरा बाहर आए बाकी लोगों के सामने, क्योंकि जी अभी मैम, तक आपका कोई चेहरा, जैसे मैंने बताया आपको। जी मैम, मेरा कल का वैसे वायरल हो चुका है, मेरा फेस का मैं ओपन कर दिया था, बट अच्छा, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम नहीं, मतलब आपका क्या रिएक्शन है उस पे, मेंटली आपका कैसा हो रहा है कि आपका मतलब चेहरा आप तो बाहर बिल्कुल सामने सबके सामने आने वाला है, अभी तक लोकल न्यूज में आया था, अभी सबके सामने पूरे देश के सामने आपका चेहरा आने वाला है, आप रेडी हो उस चीज के लिए? आपको कोई डर वर कुछ नहीं लग रहा? नहीं गलत रहते तो डर लगता मैम, हम सही है तो किस बात का ठीक है, चलो, डर। धन्यवाद लवकेश, थैंक यू आपके भाई का भी, आप इतना कुछ बताया आपने, होप आपको जस्टिस थैंक मिले। यू एंड हेल्पली जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थैंक यू, इस वीडियो के माध्यम से उनको भी पता चलेगा, जो मेरे सारे सपोर्टर हैं उनको थैंक यू, उनका सर एंड आर न्यूज चैनल जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी धन्यवाद।